कैसे घूस दे के भर्ती हो गए उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और डंडा चलेगा तगड़ा। और याद रखिएगा, जितने पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर तक कार्रवाई होनी ही होनी है, लेकिन इसको सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक बार फिंगरप्रिंट की जांच होने के बाद भी दोबारा फिंगरप्रिंट की जांच में 600 से अधिक केवल मुजफ्फरपुर में पकड़े जाने का मतलब है कि पूरे बिहार राज्य में कितने अधिक शिक्षक होंगे जो कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, नीतीश कुमार के राजपाथ में जो गड़बड़ करेगा वो अंदर जाए। और आज तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और जो फॉर्म उनका शुरू से रहा है आज भी वही फॉर्म है। ये पाठक साहब को डीएम साहब ने चुनौती दे दिया है और उनके विपक्ष में जाते हुए शीत लहर को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने की घोषणा अपने पे कायम रखे हैं और शीत लहर में स्कूल बंद रहेंगे इसकी घोषणा कर चुके हैं। इसके अलावा के पाठक साहब को बता दें, अपने पुनः ड्यूटी प्रक्रिया में वापस लौट आए हैं और वो शिक्षा विभाग में ही रहेंगे और शिक्षा विभाग के से ही रह के अपने कार्य को आगे प्रगति करेंगे। ये नीतीश सर का फैसला है। मुख्यमंत्री नीतीश साहब का जो फैसला होता है वही सराखों पर होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और बिहार में जैसी शिक्षा व्यवस्था इस समय चल रही है, आप लोग को सभी लोगों को पता है कि शिक्षा व्यवस्था डमाडोल हो चुकी है। इसमें जितने बीपीएससी के माध्यम से पेपर कराए गए सभी दोनों पेपरों में धांधली हुआ है, ज़बरदस्त धांधली हुआ है। आपको हम बताते चले कि केवल मुजफ्फरपुर के पेपर के द्वारा पता चला है कि 600 कुछ धांधलियाँ केवल मुजफ्फरपुर में हुआ है। और इतनी बड़ी धांधली होने का मतलब है कि बिहार में भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कर देना चाहिए और ना जाने कितने अभी तो छुप के बैठे होंगे और किसी न किसी रास्ते से बच निकले होंगे, तो इनके ऊपर कार्रवाई करना अधिक आवश्यक है। यदि बिहार सरकार नहीं जगती है तो अब भाजपा सरकार को जगना होगा और केंद्र सरकार को जगना होगा कि ताकि बिहार में CBI जाँच हो दोनों भर्ती प्रक्रियाओं में, BPSC TRE 1.0 और 2.0 दोनों में, तभी जाके बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, जो शिक्षा को देखते हुए सारी व्यवस्थाओं को डमाडोल किया गया है उस पर कार्रवाई हो। और यही माध्यम है कि बिहार में क्या प्रगति चल रहा है शिक्षा विभाग में, कैसे बाहरी बच्चे कैसे घूस दे के भर्ती हो गए उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और डंडा चलेगा तगड़ा। और याद रखिएगा, जितने पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर तक कार्रवाई होनी ही होनी है, लेकिन इसको सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक बार फिंगरप्रिंट की जांच होने के बाद भी दोबारा फिंगरप्रिंट की जांच में 600 से अधिक केवल मुजफ्फरपुर में पकड़े जाने का मतलब है कि पूरे बिहार राज्य में कितने अधिक शिक्षक होंगे जो कि अवैध तरीके से भर्ती हुए होंगे। बिहार में पूरी तरीके से इस समय स्थिति डमाडोल है और अगर कानून व्यवस्था सही नहीं होगी और शिक्षा व्यवस्था पे कार्रवाई नहीं होगा और दोबारा पेपर इसका नहीं लिया जाएगा, तब तक हम लोग की आवाज़ हमेशा उठती रहेगी। और मेरे को विश्वास है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार CBI जांच कराएगी और इस भर्ती प्रक्रिया को दोनों को रद्द करेगी, लेकिन उससे पहले कोर्ट में भी हम लोग अर्जी डाल चुके हैं और कोर्ट में जो अर्जी पड़ी है उस पर सुनवाई चल रही है लगातार। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाना पहला काम है और सभी अपने वकीलों से कहें, जैसे हम अपने वकील से भर्ती पे रोक लगाने की बात कर रहे हैं, आप लोग भी भर्ती लगाने पर रोक की बात करें ताकि जो भी धांधली पूर्वक इसमें भर्तियाँ हुई हैं उन्हें जांच के घेरे में रखकर भाषा अर्हता को मान्य करते हुए दोबारा से पेपर लिया जाए। बंगला उर्दू जैसे पेपरों में हिंदी का पेपर सॉल्व कराकर ये साबित कर दिया गया कि BPSC द्वारा परीक्षा की किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं थी। यदि तैयारी रही होती तो हिंदी के जगह हिंदी का पेपर होता, बांग्ला के जगह बांग्ला का होता, उर्दू का जगह उर्दू का होता, लेकिन बांग्ला और उर्दू की जगह हिंदी का पेपर सॉल्व कराने का मतलब है कि BPSC पूरी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके पुनः नए सिरे से इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया जाए। ये बिहार के मुख्यमंत्री साहब से मेरा निवेदन है कि वो स्वीकार करें, नहीं तो मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर CBI जांच तत्काल लगाया जाए। नहीं तो ये लड़के अभी ट्रेनिंग में गए हैं और ज्वाइनिंग कर लेंगे तो हम लोग को सर का दर्द हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो।